नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और आज एक कॉल पे आया हूँ 4-5 किलोमीटर दूर बिजलवाड़ा में। यहाँ पे क्या नाम है इनका भाई का? भरोसी प्रजापत जी के घर पे एक सांप निकला है, घर के अंदर बैठा है तो छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। आ जाओ उसको निकालते हैं। भाई को ध्यान रखिए यार, थोड़ा सांप से नहीं तो सब्बल से ध्यान रखिए। सब्बल यहाँ में धार पार की बात है यार, लंबो पूरा नाटिया तू वजन को ध्यान होते नहीं, चल जा पे यहाँ। ये देखो दोस्तों, इस बिल में ये सांप बैठा है, मेरे हिसाब से कोबरा हो सकता है। ये देखिए इसमें देखिए दोस्तों, ये सूटिकल कोबरा का बच्चा यार। अभी वो डर के मारे भयभीत है और बाहर आना नहीं चाह रहा। साथ लेकर आया है ऊपर से रोशन ने खा गया है। उजाड़ कर रहा कोई बाहर भगा दोस्तों, ये स्पेक्टिकल कोबरा देख सकते हैं आप। पत्थर के पीछे इसको छुपने के लिए जगह मिल रही है तो इसको निकलना बहुत कठिन हो रहा है। छोटा सा बच्चा है, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बच्चा है, लेकिन इसके अंदर इतना जहर है कि ये भी 1 से 1.5 घंटे में इंसान को मार सकता है। इसके साथ इसके पीछे की साइड देखो एक चिन्ह है, इसको लोग अक्सर गाय का खोज बताते हैं, लेकिन ये चश्मे का चिन्ह होता है। देखो यहाँ चिन्ह बन रहा है, काम नहीं रहे। अरे बहुत जागे ने बसाए तुम्हारे घर में हमने। अब तो दूध देता, चाय बना तो दोस्तों अब इस बच्चे को करते हैं रिलीज जंगल के अंदर। दोस्तों जब भी हम रेस्क्यू पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, और इसका कारण ये है, जैसे हमको फ़ोन आता है तो पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है,
घंटे आधे घंटे का, तब तक वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हर कोई सांप से डरता है, इसलिए इसको नज़दीक से देखना चाहता है, इसको समझना चाहता है, तो लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ रिलीज। ये अभी छोटा सा बच्चा है और आगे की ज़िंदगी मेरे हिसाब से यहाँ आसानी से ये जी लेगा। जाइए दोस्त, दोस्तों अभी खुले वातावरण में आज़ाद है और आशा करता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जिएगा यहाँ पे।